कहाँ हो दादा, खाद मिली कि नहीं मिली? अब कहाँ बता दादा, केला खाने में जुटियाने थे दादा, बहुत परेशान थे, कबो केला खाते थे कबो पानी पीते थे, ये वाले दादा तो समझा नहीं पा रहे थे। बाराबंकी जिले बस, अब देखो देखो सब्जी, नवीन सब्जी मंडी के जस्ट बगल बस एक इफको है, यहाँ पर खाद वाद मिलती है, लेकिन भी बहुत परेशान है। किसान बकायदा रामनगर से आया है, कोई भाषा कहीं से आया है, बकायदा दूर दूर से, कम से कम 25-25 किलोमीटर से दूर, लेकिन भाषा अभी ना खाद मिल पाई है और ना खाद मिलने की उम्मीद है। अब कुछ ऐसी समस्या बता रहे थे, मिली खाद? खाद ना मिली है ना मिले की आशा कहे। अरे मिले का आशा कहाँ है, बता रहे हैं कि पुरान रेट खत्म हो गया ना, जब आई तो मिली। कहाँ से आए? खड़े हो? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे? अभी तो खाद नहीं मिली, खुली है कि नहीं खुली? अभी तो खुल भी नहीं करी, भीड़ तो बहुत है। कम से कम 600 आदमी थी, 3 बजे रात में लोग आए रहे हैं साथ में, और तब से खड़े हैं। तब से खड़े जाए हिए पीन प्याला हिए खाए, और कोई मिला रहा कि नहीं मिला? यहाँ को मिला पनी की आए हैं तो आप बताए कि जो पुराने काल है उसका पति और जो नए जमाने में बड़ी परेशानी है। तो इन भाई साहब की बात है, मैंने सुनी कि इतना परेशान थे भैया कि क्या बताएं, बताए थे पेट्रोल डीजल खत्म करो, ऊपर से भाई साहब खादों नहीं मिलता है, यहाँ पर भाई साहब मिलने की कोई उम्मीद है नहीं है। दूसरे भैया नौजवान मिल गए, इन लोग समस्या सुन लो। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार शर्मा। कब से यहाँ खड़े हो? अरे सुबह से खड़े हैं, 5 बजे से। सुबह 5 बजे से? काफी टाइम हो गया है, मगर यहाँ खाद की कोई समस्या मतलब वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो यहाँ कोई अधिकारी आया, कोई समझाने आया? कोई पंडित जी आया जो खाद बांट रहे हैं, वो आए हैं 5 बजे यहाँ पर लगे हुए हैं लाइन, उसके बावजूद भी। वो कहाँ से आए हो? आए कहाँ से? हम लोग आए हैं 25 किलोमीटर दूर रामनगर से। रामनगर से यहाँ पर खड़े हो हैं? यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर लाइन लगाने के बाद आप पंडित जी जो आए हैं यहाँ के मेन अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि खाद नहीं मिल पाएगी। अभी बेचारे नौजवान करे तो क्या करे, बस अब कहाँ जाकर माथा फोड़ ले। वाकई बस अब आदमी तो बहुत परेशान है, ना यूरिया मिल पा रही ना खाद मिल पा रही, और कहा बता मैं तो माथा तो पसीना चुने लगा। पर फिलहाल बाराबंकी जब से उत्तर प्रदेश के लिए इब्रेस्टर 4 की रिपोर्ट। देखो भैया देखो कतनी सारी भीड़ थी।